रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 19 अप्रैल 2021 सोमवार के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा से आप दिन दोगुनी रात चौगुनी की तरक्की पर रहें और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां प्राप्त हो। आज सोमवार का दिन है और आज के दिन भोलेनाथ को सच्चे मन से पुकारने से आपकी मन की मुरादें जरूर पूर्ण होगी, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय भोलेनाथ जरूर लिख दें। हम इस वीडियो में जानेंगे आपकी खुशियों के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी परेशानियां और कष्टों को लेकर आने वाली है जिससे आपको सावधान रहना है, और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सब चीज़ों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी, हम पूरी विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिन्हें वीडियो के अंत में बहुत अच्छे विचार दिए गए हैं आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पंचांग से। दिन आज सोमवार का है और महीना जो है वो चैत्र का रहने वाला है। तिथि की बात करें तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी नामक तिथि बन रही है, जो कि यह ठीक अगले दिन की रात्रि के 12:01 तक चलता रहेगा और इसके आगे शुक्ल पक्ष की अष्टमी नामक तिथि जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वशु नामक नक्षत्र बन रही है, जो कि यह सुबह के 5:02 से लेकर ठीक अगले दिन के सुबह के 6:53 तक चलता रहेगा। योग की बात करें तो शुभकर्मा नामक योग बन रही है, जो कि यह ठीक रात्रि के 8:06 तक चलता रहेगा और इसके आगे धृति नामक योग जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्य उदय का जो समय है वो रहेगा ठीक सुबह के 6:06 पर और सूर्यास्त का समय शाम के 6:45 पर, और चंद्र उदय का जो समय है वो रहेगा ठीक सुबह के 11:06 पर, और चंद्रास्त का जो समय है वो रहने वाला है ठीक रात्रि के 1:07 पर। सूर्य राशि रहेगा मेष राशि पर और चंद्रमा मिथुन राशि इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगा, जो कि यह ठीक रात्रि के 12:29 तक चलता रहेगा। आज का शुभ समय तो यह दोपहर 12 बजे से लेकर ठीक दोपहर 12:51 तक चलता रहेगा, अर्थात आज का अशुभ काल यानी राहु काल की बात करें तो यह सुबह के 7:41 से लेकर ठीक सुबह के 9:16 तक चलता रहेगा। याद रखिएगा मित्रों, राहु काल के समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को बिल्कुल भी ना करें, वरना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताओ। जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगा जाते हैं। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती है बल्कि जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इंसान की इज्जत भी खत्म, यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। अकेले चलना सीख लो, जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। तकदीर बदल जाती है जब कोई मकसद हो, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को इज्जत देते देते। चलिए जानते हैं आज का वृषभ राशि फल और पूरे दिन की घटनाओं की जानकारी। वृषभ राशि जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और क्या कहते हैं आज आपके सितारे, तो चलिए हम पूरे विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। वृषभ राशि का दैनिक राशि फल। दिन शांत रहेगा, पिछले सप्ताह के व्यस्त कार्यक्रम से थोड़ी राहत मिलेगी जो अच्छी लगेगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी आप पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए अधिक मेहनत करें। आपको बता दें कुछ अनापेक्षित निजी मुद्दे भी आपके सामने आ सकते हैं, उनसे आपको आश्चर्यचकित तो जरूर होगा, संतोषजनक तरीके से उन्हें संभालने में कामयाब होंगे। अगर ऐसा करने में सफल हो गए आप तो आपकी जो मन में है वो आपको आज मिलकर रहेगी। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो आज का दिन कोई भी नई शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप नौकरी करियर या जॉब बदलने या कोई नया संबंध शुरू करने की योजना भी बना रहे हैं तो आज का दिन बिल्कुल सही है। अगर आपको कोई जोखिम लगता भी हो तो भी चांस लेने में कोई बुराई नहीं है। आही अंत में वही होगा जो आप चाहते हैं,
अगर ऐसा हो गया तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी प्रेम और संबंध की बात की जाए तो इस समय यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंध को निष्पक्ष होकर जांचें। क्या आप इसे अगले स्तर तक ले जाने के लिए भी तैयार हैं? इस समय आपको अपने पार्टनर की बजाय अपनी भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए और इस उलझन को दूर कर लेना चाहिए जो आपको सामान्य रूप से कई बार महसूस होती है। आपको बता दें, अब आपको फैसला कर लेना चाहिए कि आपको अपने संबंध को किस दिशा में ले जाना है। करियर और धन के मामले में अगर बात की जाए, आप स्वभाव से गंभीर हैं और अपने कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता का फल अब मिलने का समय है। दिन के अंत में प्रमुख वित्तीय लाभ की भी संभावना है जो आपको ईमानदारी और कड़ी मेहनत से अर्जित की है, लेकिन आपको केवल जिम्मेदारी और कार्यस्थल की भावना से कार्य नहीं करना चाहिए बल्कि कार्यों को करने से हास्य की भावना विकसित करें ताकि आपको कार्य करते हुए आनंद की प्राप्ति हो। दोस्तों, अगर इस जानकारियां से आप सहमत हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय भोलेनाथ जरूर लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।